ये भाई साहब ये 200 ग्राम से ऊपर है, ये है मूंग। ये ना मूंग से की बात माप करके ये अर्जुन घोड़ा के लिए हम बनाते हैं, हमेशा उसको डालते हैं तो ज़्यादा हो जाता है तो खाता नहीं। ये है अड़द, यह है ना अड़द है, 250 ग्राम के आसपास ही होगा, ये अड़द से 250 ग्राम। और ये है तुअर, ये तुअर है, ये कितना होता है देखते हैं थोड़ा, ये तो इसमें कम वजन है, ये 200 ग्राम के आसपास होगा, 200 में से 50 ग्राम तो पैट का होगा। और ये मकाई है ना, मकाई, मक्का बोलते हैं इसको, ये 200 ग्राम के आसपास है, 200 में थोड़ा कम। ये हम सब मिला के खिलाते हैं इसको। और इसमें ये सना है, ये ना कि सने का है, और गेहूं है, बाजरा है, और जौ है, इसमें सब मिला के है। वो 200 ग्राम है, लेकिन उस डालेंगे ज़्यादा थोड़ा, इसमें चार डालना है, चार चीज है इसमें तो चार ही डालना पड़ेगा, ठीक है, चार ही डालना पड़ेगा। इसमें गेहूं है, बाजरा है, सना है और जव है, उससे ज़्यादा ये खाता नहीं है, तो मैं बोला आज थोड़ा तोलाई करके लगाते हैं। और उसमें भी तो बहुत बाकी है डालने के लिए, इसमें ये कोई आता है गुरुप्रीत करके, वो ही कितना होता है देखते हैं थोड़ा तोलाई करके। ये 250 ग्राम ये भी है, पहले मैं ज़्यादा दे रहा था, आधा किलो के आसपास तो घोड़ा खा नहीं सकता, आज मैं बोला तो थोड़ा तोलाई करके देख लेते हैं। और अभी इसमें ये गुड़ डालेगा, जितना होता है देख लेता हूँ। ये गुड़ है, ये तो ज़्यादा हो गया है, मैं हमेशा आधा किलो का आसपास ठोक देता था, ये तो भी ये 300 ग्राम के आसपास है, इसमें 350 ग्राम लगाया हुआ है, 50 ग्राम का तो ये वटका है, तो भी ज़्यादा हो रहा है। ये गोड़ है, तो इसमें हमारे इधर एक वेजिटेबल आता है, मक्खन जैसा आता है, मक्खन जैसा आता है, वो हमेशा इतना देता हूँ मैं, इतना होता है देखते हैं थोड़ा। ये डालडा घी भी इसको बोलते हैं और वेजिटेबल भी बोलते हैं, तो ये कितना होता है। ये 150 ग्राम होता है, तो सही है कि इसको ज़्यादा हो जाता है तो खाता नहीं है। ये हमारे इधर गाय के लिए बढ़िया आता है ऐसा बोलता है, डालडा घी है कोई वनस्पति होगा, या ना वनस्पति इसमें आती है कोई,
इसमें ये सरसों का तेल है, एक सरसों का तेल है, मूंगफली और सरसों का तेल है इसमें दोनों। कितना होता है देखते हैं, मैं हमेशा ज़्यादा डाल देता हूँ। ये 200 ग्राम के आसपास है, ये दोनों मिला हुआ है, सरसों का तेल और हमारे इधर ऑर्गेनिक मूंगफली है उसका तेल है। ये दोनों 100 ग्राम के आसपास दिया है, क्योंकि दोनों मिक्स करके रखा है इसमें। और ये ताज़ा हमारी गाय का मक्खन है, काकरेज का। ये कितना होता है, हमेशा हम ये डालते हैं, एक टाइम डालते हैं, तो देखते हैं कितना होता है। 250 से भी ज़्यादा होता है ये, मैं तो 100 ग्राम बोल रहा था, लेकिन ये तो ऐसे ही डाल रहा था, किसान तो यही काम करता है। हो सकता है 200 ग्राम से ऊपर, ये न 200 ग्राम से भी ऊपर है। और क्योंकि ये 200 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो 300 करते ज़्यादा हो जाता है। ये 200 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, तो 250 ग्राम ही होगा मक्खन। एक 200 ग्राम ये मक्खन है, इतना डालते हैं तो घोड़ा। मैं हमेशा आधा आधा किलो सब केजी डालता था, ये उसका तगारा बहुत बड़ा है तो घोड़ा खा नहीं सकता, तो सब बोल रहे ये छोटा घोड़ा है, इतना नहीं खा सकता। मैं बोला थोड़ा मेंदड़ा है, क्या है क्या नहीं है इसमें, उसमें ये अभी ये थोड़ी कारी जरी भी डालेंगे, ये जीरा जैसा आता है, ये तो 50 ग्राम के आसपास ही डालते हैं, इसके घोड़ा को कोई बीमारी नहीं होगी, हमेशा डालते हैं तो दोनों टाइम हम 50-50 ग्राम के आसपास। ये सब मिला के उसको खिलाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मक्खन छोटा हुआ है, तो ये साफ हो जाएगा और इस घोड़ा को साथ में मिल जाएगा। सुबह उसको 5 लीटर के आसपास दूध पिलाते हैं, वो काकरेज गाय का 3 लीटर पिलाते हैं, 2 लीटर एक ताज़ा बस्सा दिया हुआ है, उनसी वो गाय हमारी आरती है, उसका बस्सा गुजर गया है, तो उसका 2-3 लीटर आता है, वो पिलाते हैं। हमारे हिसाब से इसको ये सब मिला के कितना होता है वो भी देखता हूँ मैं, थोड़ा इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। ये घोड़ा को उसमें कोई कम पड़ता है तो कोई बताना भाई साहब, ये डालना है तो हम डालेंगे। मेरे हिसाब से तो इतना कोई खिलाता नहीं है, मैं तो किसी को नहीं देखा, 2-3 जात देता है ये, हम तो कम से कम 12-13 सीज एक साथ करके मिला के खिलाते हैं। और 5 लीटर के आस पास अभी दूध पिला रहा है, क्योंकि घोड़ा पी नहीं सकता, वो ही है तो एक साइड इसका, लेकिन वो है उम्र में छोटा, 11वां महीना उसको चल रहा है, तो इसलिए खा नहीं सकता। थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा भीगा हुआ होता है तो बढ़िया रहते थे, पहले हम इसको कच्चा ही देते हैं, हम पक्का करके नहीं देते, क्योंकि जो जानवर होता है, गाय होता है, भैंस होता है, बकरी कोई भी होगा, इसको पका के खिलाओ मत। कोई कोई
उसको बाप के खिलाते हैं, पकाते खिलाते हैं, लेकिन जो खाए कच्चा खाएगा ना वही बढ़िया रहेगा, इसको पका के मत खिलाओ क्योंकि वो बीमार होगा। पहले ज़माने में ये कोई मनुष्य भी पका के नहीं खाते थे, कच्चा ही खाते थे। और जो ये गाय घोड़ा भैंस बकरी ऊंट सब है वो तो कच्चा ही खाएगा, तो ही उसका उसके पेट के अंदर भगवान ने ऐसी सिस्टम दिया हुआ है वो जठराग्नि बोलते हैं, वो ही उसको पसा के बना देगा, सब लोही बनाएगा, खून बनाएगा, सब बना देगा। इसमें भगवान के बनाया हुआ चीज में उंगली मत डालना, उसमें अपने क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये पानी डाल दिया है तो कितना होता है अभी देखते हैं, थोड़ा सब मिला के कितना केजी हो जाता है वो तो देखते हैं। आज कम डाला है ना, तो मैं ये पूरा भर के डालता था। ये 2 केजी है और ये 1 केजी है और ये 500 ग्राम है, ये सब मिला के 3.5 केजी हो गया है। मैं हमेशा उसको 5-6 किलो के आसपास दे देता था तो ज़्यादा हो जाता था, वो नहीं खाना खा सकता, वही प्रॉब्लम था उसको। अभी भी ये थोड़ा ज़्यादा तो है, कितना है ये 3 केजी और 600 ग्राम होता है, 100 ग्राम है तो इसमें गमेला भी होगा 0.5 केजी को, तो ये 3 किलो के आसपास है। मैं हमेशा उसको 6 किलो सुबह देता था, 6 किलो शाम को देता था, लेकिन आज कम कर दिया है, वो नहीं खाता, आधा छोड़ देता था। अभी कितना दूध पिलाते हैं वो भी बताएंगे। ये घोड़ा के लिए काकरेज गाय का ताज़ा दूध है, गीर और काकरेज 5 लीटर के आसपास, इतना ही पीता है, उससे ज़्यादा नहीं पी सकता, छोटा है इसलिए पिलाएंगे तो इसका। ये ताज़ा ही दूध है क्योंकि ये लड़का अरसू का पीर है तो इसीलिए इसमें जो खांड का गमला होता है उसमें ये तगार हम डाल दिया है। ये काकरेज और गिर दोनों का ताज़ा हुआ अभी निकाला है, अभी निकाला है ये दूध, दोनों का मिक्स है क्योंकि काकरेज दूध तो दे रही है 10 के आसपास, लेकिन 2 कोई निकालते हैं, सब दूसरे को पिला देते हैं बछड़ी बछड़ा को, और गिर को ज़्यादा निकालते हैं। गिर 3-4 को बछड़ी बछड़ा नहीं है, काकरेज को 2 को नहीं है, जो जिसका बछड़ा बछड़ी होगा उसको तो हम पिला देते हैं, जो बचता है उसमें हम और घोड़ा पी लेंगे। तो ये बढ़िया दूध होता है, सबसे बड़ी ताकत ये काकरेज गाय का दूध में होती है और गिर में। घोड़ा के लिए सबसे उत्तम यही है, माँ के बाद यही दूध मिलना उसको चाहिए, दूसरे किसी का नहीं चाहिए। ये बोलेगा कि अर्जुन अर्जुन क्या बोल रहा है, ये बसेरा है, ये दूध पी रहा है। कभी कभी तो छोड़ देता है, लड़का ऐसा बोल रहा है तो आज मैं देखने के लिए आया है, ये छोड़ता है कि नहीं है। यही हमारा अर्जुन है, आपको लगेगा अर्जुन अर्जुन क्या बोल रहा है, छोटा बच्चा ही है लेकिन एक साइड का है। ये 5 साल की घोड़ी है साथ में, वो इतनी बड़ी नहीं है, ये 60 इसकी है और ये 1 साइड का है। अभी तो ये पूरा दूध पी गया है, 5 लीटर दिया है तो
लड़का बटला है ढोर देता है, कभी ढोरा तो नहीं है मेरे तो सामने कुछ। ये आपको सही लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि ये यूट्यूब में सब लोग बोल रहे हैं कि पैसा आता है, कोई कोई तो बोल रहा है 2 लाख 3 लाख 5 लाख, तो हम तो बोल रहा है ये 2-3-5 लाख आएगा महीना का, हर महीना का, तो और गाय लाएंगे हम, तो गाय कोई खिलाएंगे, हमारे छोटे लड़का ऐसा बोल रहा है, और 2-3 मित्र है वो भी बोल रहा है कि राम भाई आपको जैसा आएगा ऐसा आप जैसा पसंद है ऐसा वीडियो आप डालता रहिए हमेशा 10-12 मिनट 15 मिनट का, तो आपको पैसा मिलेगा ऐसा सब लोग बोल रहा है। मैं तो नहीं जानता, वो लड़का बोल रहा है हमेशा आ रहा है पैसा, और कौन देता है कौन नहीं देता है मेरे को तो मालूम नहीं, ये यूट्यूब वाला ऐसा बोल रहा है पैसा देता है, तो कोई कोई लोग तो ऐसा बोल रहा है 5-5 लाख भी आ रहा है, ज़्यादा सब्सक्राइब होगा लाइक शेयर करने वाला और ज़्यादा लोग देखेगा तो पैसा आता है। एक हमारा मित्र है वो बोल रहा है कोई लड़की है सूरत में, उसको हमेशा हर महीने 5 लाख रुपया यूट्यूब में मिल रहा है, तो हम तो ये गाय के दिखाने के लिए घोड़ा के दिखाने के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, हम तो वही कभी कभी वीडियो डालते थे, फिर ये लड़का अभी लॉकडाउन है ना तो घर पे है, तो हमेशा बना के डालता रहता है।